नॉर्मली यूपीएससी में तीन स्टेटमेंट में ही थोड़ा सा टफ हो जाता है, यहाँ तो चार दिया हुआ, थोड़ा आपका प्रैक्टिस के लिए फोर स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन। द डब्ल्यू सी बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस हेल्ड इन कलकत्ता। डब्ल्यू सी बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस। आगे का लाइन भी पढ़ना है, नहीं इन कलकत्ता भी पढ़ना है, नहीं कि इन्हें की एग्जाम के टाइम में बस। डब्ल्यू सी बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस हेल्ड इन, तो भूलिएगा, पढ़ा ही नहीं, आगे बढ़ गए, है ना, है ना। जैसे कि आप लोग नॉट को नहीं पढ़ते हो, है ना। हाँ, बहुत लोग, अब बहुत लोग दो नंबर क्वेश्चन पढ़ते हो और तीन नंबर में टिक लगाते हो। हाँ, ये भी होता है ना। तो और ये तो स्वाभाविक है कि एग्जाम के दिन तो इन कलकत्ता तो भूलोगे ही, है ना। बस डब्ल्यू सी बनर्जी याद आ गया, ठीक है ना। ये वो ह्यूम नहीं है, अच्छा हम तो जानते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी का नाम, अपना दिमाग उधर चला गया, आगे का सेंटेंस माइंड ने रजिस्टर नहीं किया, है ना। तो ये है बदरीन तैयब जी वाज नेवर एसोसिएटेड विथ मुस्लिम लीग एंड वाज द फर्स्ट मुस्लिम तैयब जी 87 में, 87 में आ गए थे। अच्छा, तो हम लोग रोकने वाले थे ना, ये थोड़ा पीछे पीछे थे, ये मोदी था, आगे वाला कोई और था, फिरोज शाह मेहता थे, नहीं ये पीछे पीछे लाठी लेके चलते थे ना। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है तो ये मुस्लिम लीग में कभी एसोसिएटेड नहीं हुए, ही वॉज वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन, और आईएनसी के थे। विलहम वैडन बर्न वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। YULE इसको जैसे प्रोनाउंस कर लो, ठीक है। एंड सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट नहीं। तो आपको जो इंटरनेशनल कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा समझना होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कभी रहे कि नहीं, कभी किए थे, और अरविंदो घोष कभी प्रेसिडेंट रहे कि नहीं, नहीं, अच्छा अच्छा नहीं कहीं नहीं आए, अच्छा अच्छा लोकमान्य तिलक रहे, नहीं वो भी नहीं रहे, अच्छा अच्छा और बालकृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, अब देख ही लो भाई। और गांधी जी कौन सा कांग्रेस है, चंदे बेलगांव, ठीक है। पहले कौन सा था, कितना पेज में है भाई, कोई है कृष्णा रेड्डी वाला?
आत्मीय सभा इंडिविजुअल क्लास पता नहीं, देख देना आप लोग। हाँ कितने आइटम में देख रहे थे, पढ़ लीजिएगा उसको, है ना? आपने भेज दिया कहीं पर? अच्छा टेलीग्राम सर तो गोपाल कृष्णा रेड्डी है, कोई रखे हुआ है ना? कितना पेज पे है कांग्रेस वाले, कांग्रेस के प्रेसिडेंट का कितना पेज पे? बोस थे, है ना? तो बोस तो रिवोल्यूशनरी थे, है ना? तो ये है, एक हेनरी कॉटन भी आए थे बाद में, है ना? उसके मतलब पहले हेनरी कॉटन भी हैं। सुगन्नाथ बनर्जी जो है 1995, अल्फ्रेड वेब है, तो काफ़ी ब्रिटिशर्स लोग आएंगे, है ना? द सो मेन द ब्रिटिशर्स हु बिकेम द प्रेसिडेंट। त्रिपुरी कांग्रेस में कौन थे? त्रिपुरी है क्या? त्रिपुरी जो है हुगली के तट पे है, गोदावरी के तट पे है, नर्मदा के तट पे है, ताप्ती के तट पे है। क्यों क्यों कौन सी जगह है? अरे क्या घूमते रहोगे आप लोग, घूम। सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी सेशन, ठीक है ना? तब नर्मदा ही है, नहीं जबलपुर। इन दिसंबर 1938 त्रिपुरी सेशन वाज हेल्ड इन एट ए प्लेस नियर जबलपुर, यही कुछ लिखा होगा, कहीं होगा। बोस एट ए मीटिंग टू रिप्रेजेंटेटिव जर्मन 1939, the British government was taken on by Bose taking interest in Axis power and developing Gandhi-Bose strife. In December 1938, Bose had a meeting with two representatives of the German Nazi Party. Bose, who told the Nazi that Hitler regime must stop insulting the Indians. In India, Nazis were not liked because of their deeds of extinguishing the democracy in the socialist areas. 1939 election of the president of Congress, Subhash Chandra announced his candidature knowing that he would be opposed. By this time, Nehru was on a long holiday in Europe. When he returned in 1938, Gandhi suggested him to announce his name as a candidate, but he declined and suggested the name of Maulana Azad. But Maulana Azad withdrew his name and the new name came as Dr. Pitabi Sitaramaiah, an Andhra leader. But Subhash was not sure of his win. The result was declared on January 29, 1939. Subhash secured 1580 vote. Sitaramaiah got 1377. Thus, Subhash winning by a narrow but clear margin. तो ये जो है गांधी जी को बड़ा अपने दिल पे ले लिए थे, है ना? सीतारामैया की हार को गांधी ने दिल पे। But the defeat of Sitaramaiah was taken by Gandhi as a personal blow. He said, I am glad of Subhash victory, but since I am instrumental in including Dr. Pitabi not to withdraw his name after Maulana Azad have done so,
so the defeat is more mine than his. Gandhi said that Bose was president of his own right, he should form his own working committee, run the Congress, Gandhi said that. After all, Subhash is not the enemy of our. In his opinion, he is the most forward and boldest policy and programs, and minority can only wish him all the best. The constitution of Congress did not provide for the removal of the president and delegates vote was something which could not be reversed. The Congress working committee was still controlled by followers of Gandhi and Subhash might resign but could not rule. In 1939, Congress met the annual session at Tripuri near Jabalpur. है ना? The Jabalpur में के पास Tripuri है वहाँ okay. Prior to the session, Bose fell ill, which may be psychological reaction to the stress. Just before February 2021, when a meeting of Congress Working Committee was held in Wardha, Subhash was unable to reach and so sent a telegram to Patel to postpone the meeting of Working Committee till the annual session. He had also sent a telegram to Gandhi ki jagah, nahi? Gandhi, so anyhow. But this telegram hurt the Congress when they said that this demonstrates Subhash's dictatorial ambition, who does not want the Congress to do the not level. Subhash Chandra Bose bolte hain ki jo Gandhi ka follower hai thoda low intellectual level ke. The members of Congress wanted Subhash to apologize for the slur. Congress bolta nahi bhai hum log low intellectual nahi hai, aapko maafi mangni padegi. But he refused. In the session when Subhash was brought to the dais on a stretcher, one of the congressmen fanned. जब स्ट्रेचर पर आए सुभाष चंद्र बोस तो why don't you check whether he has any onions under his armpits? तो बोलता कि कहीं ऐसा देख लो भाई कि कहीं कोई प्याज वाज तो नहीं दबा लिया है, तो बुखार लग जाता है ना बचपन बच्चा में नहीं प्याज दबा लेते हैं. Subhash and Gandhi and his followers. Next month, Subhash resigned from Congress and now he was on an entirely different path. The place was filled by Dr. Rajendra Prasad. जो आप बोले ठीक ही बोल रहे थे, वही चीज़ था. Actually, same चीज़ पर almost, मतलब एक paragraph यहाँ से आ सकता था. एक question पूछा भी था 2016 में शायद. गांधी या नेहरू के मेथोडोलॉजी व्यूज दोनों के ऊपर में क्या डिफरेंस थे और क्यों हुआ और बाद में कैसे रास्ते अलग हो गए. बोथ वर नेशनलिस्ट इन दियर ओन अप्रोच. अपने अपने अप्रोच से दोनों ही नेशनलिस्ट थे. चाहे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गदर पार्टी की बात करें, वो भी नेशनलिस्ट लोग ही तो थे. नहीं, दे वर ऑल्सो नेशनलिस्ट इन दियर ओन वे. अब 330 पेज बता रहे थे ना, बहुत बाद में दे दिया. अच्छा, लास्ट में लिख दिया इसको 330 पर. करेक्ट दे रहा है कि डब्ल्यू सी बनर्जी बॉम्बे में 72 डेलीगेट्स. बॉम्बे के बाद नेक्स्ट कहाँ जाते हैं कांग्रेस वाले? कलकत्ता. बॉम्बे के बाद कलकत्ता गए BCM, है ना? बॉम्बे के बाद कलकत्ता, दादाभाई नौरोजी ऑन मद्रास सैयद बदरुद्दीन तैयब जी. तब देखो हिंदू हैं, उसके बाद पारसी है, अब पारसी के बाद मुस्लिम है, अब मुस्लिम के बाद जॉर्ज जूले है, वो क्रिश्चियन है. नहीं ठीक है ना, तो हिंदू है, पारसी है, उसके बाद मुस्लिम है, फिर क्रिश्चियन है, अब फिर उसके बाद फिर क्रिश्चियन नहीं है. फिर आ जाते फिरोज शाह मेहता कलकत्ता. तो अभी तक जो है सो बॉम्बे कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद बॉम्बे कलकत्ता चल रहा है. अच्छा, कभी दिल्ली में हुआ है कि नहीं? हुआ है. पहली बार 1923 में दिल्ली में हुआ है. क्या पंडित किस में? उससे पहले भी हुआ है दिल्ली में 18 में. हाँ, 18 में हुआ है सबसे पहली बार मदन मोहन मालवीय. एटीन
1941 से 45 तक देर वॉज नो सेशन है ना, 41 से 45 तक देर वॉज नो सेशन, और रामगढ़ में सेशन हुआ है सर, पर उस टाइम पे 41 से 45 के बीच में ये आजाद आजाद फलाना आजाद रामगढ़, रामगढ़ बिहार में है, रामगढ़ में सेशन हुआ है, दैट इज अबुल कलाम आजाद का, त्रिपुरी के बाद। तो आपका जैसे आप करते हो तो थोड़ा आए थे ना, वो गाड़ी अभी भी है उनका रखे हुए, तो उनको गाड़ी दिया गया था गांधी जी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन याद कीजिए, चापेकर ब्रदर्स है ना, बीजी तिलक, लॉर्ड एल्गिन टू के तरफ, अच्छा अच्छा अच्छा, चापेकर ब्रदर्स के टाइम में बीजी तिलक जस्ट उसके बाद आए थे नहीं, बाद आए थे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग बाय आगा खान, वो कब है मुस्लिम लीग, 1900 तो बड़ा क्लोज मार्जिन दिया था नहीं। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा, पूसा अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन अंडर एंड्रू फ्रेजर टू रिव्यू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन एनुअल सेशन ऑफ सूरत, वो तो और भी बात में हुआ था। जब आप मॉडर्न इंडिया एक बार पढ़ लीजिए तो इनकी टाइम मॉडल के लिए किस तरह, आज का क्वेश्चन है अब ये पोस्ट 1857, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वाज वेयर टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कर्ब नेशनलिस्ट स्पिरिट अमंग द सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी, क्या क्या स्टेप लिए गए। इंडियन सोल्जर्स वर प्रमोटेड टू ऑफिसर्स रैंक वेरी फ्रीक्वेंटली सो दैट दे रिमेन इंडेटेड एंड लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। Journals were prevented from reaching the soldiers. Yes, sir. Yes, sir. Three only. Which of the following were the reasons for it? अब एक तानिया के लिए खाली क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए तानिया। In 1908, the Swadeshi and boycott movement declined. Which was the following reasons for it? Annulment of Bengal partition. Reason था? स्प्लिट इन कांग्रेस नहीं था, अच्छा चलो तो वन इज कैंसिल, वन जहां जहां है कैंसिल करते हैं, ए और डी कैंसिल हो गया ही ना, स्प्लिट इन कांग्रेस तो मतलब कि तुम्हारा बी और सी रह गया है ना, अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ लीडर्स, सी होगा, सही है, सही है, ठीक चलो ताली बजा दो इसके लिए। पहला क्वेश्चन तुम्हारा था, तुम्हारा तुमने पढ़ा हुआ 1857 वाला। With reference to the response, which of the following statements is are correct? Responsivist,
दे वेयर अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ एसोसिएशन विद द गवर्नमेंट, सही है कि नहीं? रिस्पॉन्सिविस्ट कौन थे? मोतीलाल नेहरू वाज वन ऑफ इट्स प्रोमिनेंट लीडर्स. स्वराज पार्टी. तो रिस्पॉन्सिविस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? दे वेर अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ एसोसिएशन विद द गवर्नमेंट. स्वराज पार्टी तो बोला कि भाई हम तो कुछ ना कुछ काम करेंगे गवर्नमेंट के साथ में, यही तो हुआ था ना. अब मोतीलाल नेहरू वाज वन ऑफ इट्स प्रोमिनेंट लीडर्स. मोतीलाल नेहरू अच्छा, स्वराज का फर्दर है. अच्छा, तो इसमें कौन थे? लाल लाजपत राय थे और अच्छा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर व्हिच यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो नाइदर वन नाइदर नॉट नाइदर वन और बेचारा वो आदमी जहाँ कहीं भी होगा, अगर होगा नहीं होगा पता नहीं, वट एवर अगर होता है ट्रांसमाइग्रेशन या सोल होता है कि नहीं, उसको इतने तरीके से लोगों ने हिस्ट्री बर्बाद बर्बाद किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? द कांग्रेस रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स. एक्सेप्ट किया था. मॉडरेट्स वेर एक्सेप्टेड बैक इन टू द कांग्रेस. तो नाइदर वन नॉट टू होगा. नाइदर वन नॉट टू करने में बड़ा डर लगता रहता है. नहीं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC. एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, जानो तो करो, नहीं जानो तो मत बैठो. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1920. लाल लाजपत राय वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AITUC. और कौन थे विषय में? एम एन समन लाल था और ये भी था. एम एन जोशी भी तो थे. एन एम जोशी नहीं थे क्या प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट लाल लाजपत राय थे. एन एम जोशी वॉज नॉट प्रेसिडेंट. अच्छा, ये डिड नॉट बायकॉट द साइमन कमीशन. उन्हीं को तो बेचारे किए तो लाठी मारा लोगों ने. द क्वेश्चन आर गुड, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप अगर क्वेश्चन में दो तीन कंसेप्ट मिले हुए हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपका हिस्ट्री का रिवीजन हो जाता है. तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हमने मॉडर्न इंडिया पढ़े नहीं है तो हमारा जो है सो नंबर नहीं आ रहा. ऐसा नहीं है. अगर आपने 100 क्वेश्चन कल पढ़ा होता तो आज मिनिमम 10 क्वेश्चन आपका ऐसा ही होगा ज़्यादा. और आज फिर 100 पढ़ोगे तो कल आपका फिर 10 और बढ़ जाएगा, है ना. और कल फिर 100 और पढ़ लोगे डिस्क्रिप्शन तो पढ़ते जो है 10 और बढ़ेगा. तो 40 तो एक ही बार में बढ़ा लिया ना, 4 दिन में आप 40 पढ़ा रहे हो. तो दैट मेक्स द डिफरेंस, है ना. तो आपको क्वेश्चन आंसर के साथ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो याद होगा. तो तरीका ही वही है ही कि पहले आप पढ़ते हो और फिर बाद में जो है सो क्वेश्चन के फॉर्म में फिर पढ़ते हो तो तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है. अदर अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो नहीं फायदा होगा, है ना. और अभी जब PT ख़त्म हो
काफी क्वेश्चन है, ट्राइबल मूवमेंट वगैरह सब से, पीजेंट मूवमेंट से भी पूछा है, सब जगह से तो पूछ ही रहा है लोग, तो क्वेश्चंस का क्वालिटी अच्छा है, यू मस्ट डू इट, है ना, करना ही है आपको, और डिस्क्रिप्शन पढ़ना ही है ना, बिना डिस्क्रिप्शन पढ़े आप अगले दिन फिर बैठ जाते हो तो ये भी गलत करते हो, पहले डिस्क्रिप्शन तो पढ़ लो। सर वो 25 क्वेश्चन ही रहेंगे, वो नहीं, नहीं आप एक स्ट्रेटजी तो फॉलो करो, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, नींद आ गई, बुखार लग गया, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़े तो फिर डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे, है ना, तो डिस्क्रिप्शन तो पढ़ लीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम है, 9 से 11, मान लिया कि आप टेस्ट पे बैठते हो तो 11 से कल 9 बजे तक डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, मान लिया नहीं होता तो ठीक है 2 घंटा 3 घंटा बाद टेस्ट दे लेंगे, लेकिन फिर डिस्क्रिप्शन पढ़ के पूरा पढ़ के फिर देंगे, है ना, तो थोड़ा लेट होंगे लेकिन डिस्क्रिप्शन पढ़िए, डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़िएगा फिर एग्जाम में फिर होइएगा तो आपका स्ट्रेटजी प्रॉपर नहीं होगा, है ना, तो ऑल 100 डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी स्टडीड थॉरली टेकिंग द बुक इन रेफरेंस, है ना, हम तो कृष्णा रेड्डी से ही क्वेश्चन देख रहे हैं ज़्यादातर इसका, हो सकता है स्पेक्ट्रम में भी यही क्वेश्चन हो कि स्पेक्ट्रम कृष्णा रेड्डी में कोई फर्क भी नहीं है ज़्यादा, वो थोड़ा बहुत का इधर से उधर है और कुछ नहीं, तो कृष्णा रेड्डी मोटा लगता है तो बीच से काट लो, है ना, कोई फायदा नहीं, 3 पार्ट में हो जाएगा, तो रेफरेंस के लिए दिस इज ए गुड बुक कृष्णा रेड्डी, नो डाउट, अच्छी किताब है। चलिए तो आज अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें आते हैं, क्या कहते हैं, हिस्ट्री तो चल ही रहा है, हिस्ट्री का फिर प्रवचन करेंगे थोड़ा, हम आते हैं आज के न्यूज़पेपर में, डिबेट के प्रेस ही लिखेंगे, ये भी नहीं कि कोई इसमें अपना व्यूज नहीं लिखना है, इसी का प्रेस ही लिखना है, ठीक मतलब इन्फ्यूजिंग द आइडियाज, है ना, उसमें कुछ नहीं है, आपके अंडर में आइडिया इन्फ्यूज किया जा रहा है ना, आपको इंडॉक्ट्रिनेशन प्रिंसिपल है ना, कि आपको ये आइडिया समझना है, ये करना है, इसे समझना है, बाद में आप डिसएग्री करिए तो दूसरा दिन लिखेंगे कल, है ना, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड।